देते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे, पुलिस भी उसी वक्त हिसाब कर देते थे। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते। आज आप देखिए बीआरएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं, और ऐसे ही सब लोगों को आजादी मिल चुका है, सब लोगों ने वीडियो देखा है। अगर खुले मन से आप पुलिस को धमका सकते हैं तो बाकी लोग तो अपने आप डर जाएगा। ये तो चुनाव का पहले लोगों को डरवाने के लिए ये काम हुआ है। मैं तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव भी रद्द कर दीजिए और उनका कैंडिडेट सर आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप देखो जो घटना हुआ है, कल जो घटना हुआ है, ये बहुत ही दुखदायक है। अगर ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे, पुलिस भी उसी वक्त हिसाब कर देते थे। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते। आज आप देखिए बीआरएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं, और ऐसे ही सब लोगों को आजादी मिल चुका है, सब लोगों ने वीडियो देखा है। अगर खुले मन से आप पुलिस को धमका सकते हो तो बाकी लोग तो अपने आप डर जाएगा। ये तो चुनाव का पहले लोगों को डरवाने के लिए ये काम हुआ है। मैं तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव भी रद्द कर दीजिए और उनका कैंडिडेट सर आप